में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और साथ साथ भगवान गणेश जो कि प्रथम पूजा के हमारे विधान में माने जाते हैं, उस प्रथम पूजा में जो कुछ आप सबने जब मूर्ति स्थापित की तो ईश्वर से कामना की होगी, कुछ भी मन में इच्छाएं होंगी, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, ईश्वर उन सब इच्छाओं को भगवान गणपति पूजा करें, ऐसा मेरी प्रार्थना है। और भगवान गणपति जो अपने माता पिता को बहुत चाहते थे, कार्तिकेय जी को जब बोला गया परिक्रमा करके आए तो पूरी पृथ्वी का परिक्रमा किया और उन्होंने अपने माता पिता को ही अपना परिवार समझकर और अपनी दुनिया समझकर उनकी ही परिक्रमा कर ली। तो समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं भी आपको जीवन में सब कुछ चाहिए तो वो आपका परिवार और आपके माता पिता ही है। और अगर वो माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा वही जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो दुनिया में हर के चरणों में गिरे लेकिन सबसे पहला जो चरण है वो आपके माता पिता का है, जो आपके प्रथम गुरु के रूप में भी है, आपके संस्कार गुरु के रूप में है, आपको भारतीय संस्कृति से जोड़ने का भी है और जीवन में आपको एक इंसान के रूप में कर्तव्य संस्कारी और शिक्षित बनाने का काम करते हैं वो आपके माता पिता ही होते हैं और उसके बाद आपके शिक्षक, तो उनका जरूर बहुत ख्याल रखें और उनका बहुत सम्मान करें। यहाँ बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, मैं उसके लिए भी बधाई देती हूँ कि जिन बच्चों में बहुत गुण है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, आप उनको भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें। और अभी बहुत सारी समाज सेवा में भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं और पूरे पूरे लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, तो बस ये जरूर समझना चाहिए कि ये प्रयागराज जो है ये हमारी पहचान है और इस पहचान के लिए भी जीना चाहिए। और ये राष्ट्र जो हमारा भारत राष्ट्र है ये हम सबकी अपनी पूरी पहचान है। हम कहीं जाते हैं तो ये नहीं कहते कि हम प्रीतम नगर से आए हैं, बहादुरगंज से आए हैं, हम जब जाते हैं तो हम कहते हैं प्रयागराज से आते हैं और जब इंटरनेशनल पे जाते हैं तो हम कहते हैं हम हिंदुस्तान और भारत से आए हैं। तो अपनी पहचान के लिए भी आप सब जितना आगे बढ़कर काम कर सके, क्योंकि अपने जीवन के साथ साथ राष्ट्र को भी अपने अंदर जीवित रखना एक बहुत बड़ा काम है। और माँ गंगा जो हमारी पहचान है, जिस नाम से हम लोग कुंभ में जाने जाते हैं देश विदेश में, उस माँ गंगा की पहचान बचाने के लिए, स्वच्छता बरकरार रखने के लिए भी जरूर श्रमदान करें। और भगवान गणेश आपको यश दे, कीर्ति दे, सम्मान दे और बेटियों को खूब शिक्षित करें, खूब पढ़ाएं, खूब आगे बढ़ाएं, बच्चों को खूब भारतीय संस्कृति और संस्कार से जोड़ें। ये जो पूजा पाठ घर में आप करते हैं ये आपके द्वारा लगातार जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को उसी संस्कृति और संस्कारों और धर्म से जोड़ने का काम करते हैं और यही जुड़ाव आपका आपकी संस्कृति और भारत को और श्रेष्ठ भारत बनाने का काम करेगा। मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री गणेश।